नमस्कार, अच्युत प्राचीन रोड के मैं आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं और उसके साथ में लगे घंटे को भी दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिल सके। और इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि क्या आप जानते हैं मुंबई स्थित महालक्ष्मी मंदिर का रहस्य। जरूर देखिए, ऐतिहासिक और आश्चर्य में डालने वाली घटनाएँ आज भी झकझोड़ कर रख देती हैं। मुंबई स्थित महालक्ष्मी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हिंदू धर्म का एक विशिष्ट पूजा स्थल माने जाने वाले इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक ऐसा चमत्कार छुपा है जिस पर विश्वास कर पाना बहुत से लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन जो लोग ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखते हैं उनके लिए यह दैवीय शक्तियों का एक उदाहरण है। मुंबई के भुलाभाल दिशावर मार्ग पर स्थित यह मंदिर माँ लक्ष्मी देवी को समर्पित है। इस पूजा स्थल का निर्माण सन 1831 में धारची दाताजी नाम के एक हिंदू व्यापारी ने करवाया था। इस मंदिर का इतिहास मुंबई की बरली और मालाबार हिल से जुड़ा जाता है। इस स्थान को आज ब्रिज के एंड भी कहा जाता है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि जब इस मंदिर का निर्माण चल रहा था तब इसके दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली दीवार बार बार ढह रही थी। इसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा करवाया जा रहा था और वह भी यह समझने में असफल साबित रहे थे कि आखिर इस दीवार के गिरने का कारण क्या था। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर जो एक भारतीय थे, उनके सपने में स्वयं माता माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए और वर्ली के पास समुद्र में अपनी मूर्ति होने की बात कही। माता के दिए हुए निर्देशों के अनुसार चीफ इंजीनियर को उसी स्थान पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति मिली। इस आश्चर्यजनक घटना के बाद चीफ इंजीनियर ने उसी जगह पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद बड़े मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी आसानी से संपन्न हो गया। यह मंदिर हाजी अली दरगाह के साथ वर्ली के समुद्र तट पर स्थित है। इसे माँ लक्ष्मी मंदिर को देखा जा सकता है। इस मंदिर के अंदर देवी माँ लक्ष्मी, माँ काली और सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित है। तीनों की मूर्तियाँ सोने के दीनों से सुसज्जित है। कब जाए माता के दर्शन करने? मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है तथा रात 10 बजे बंद होता है। तीनों माताओं के असली स्वरूप सोनों के मुकुटों से ढके रहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर में विराजमान देवी माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्वर्णभूर्ण है। वास्तविक मूर्तियों को बहुत कम लोग देख पाते हैं। असली मूर्ति के दर्शन करने के लिए आपको रात लगभग 9:30 बजे मंदिर में जाना होगा। इस समय मूर्तियों पर से आवरण हटा दिया जाता है तथा 10 से 15 मिनट के लिए भक्तों के दर्शन के लिए मूर्तियों को खोला ही रखा जाता है और उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। सुबह 6 बजे मंदिर खुलने के साथ ही माता का अभिषेक किया जाता है तथा उसके तत्काल बाद ही मूर्तियों के ऊपर फिर से आवरण चढ़ा दिए जाते हैं। माँ लक्ष्मी मंदिर से ही लगे कुछ छोटे बड़े अन्य मंदिरों में एक स्वयं श्री पाताली हनुमान मंदिर भी है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति चांदी के आवरण में बेहद आकर्षक लगती है। तो आप ज़रूर मुंबई स्थित महालक्ष्मी मंदिर जाइएगा, आपकी हर एक मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होगी। जय माता दी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।